हिकमत साहब आप सरप्राइज कब लेकर आएंगे सामने? कुछ देर में, उसका सही वक्त आ जाए जरा। आप बात कर लो, बिल्कुल सही वक्त है ये। बस अब कम ऑन। थोड़ा वॉक करें क्या? आमिर साहब, सोना। आमिर भाई, मैं बहुत बोर हो गई हूँ, क्या मेरे पास आ जाएंगे? ठीक है, मैं आ रहा हूँ अभी। वहीं मैं मैं जाकर मेलिक पापा की मदद करवा दूँ। ये लीजिए, यहां साइन कर दें। गुड डे। गुड डे। लेट्स सी, क्या है ये? वाओ, देखो तो जरा कितना प्यारा है ये। नाइस। ओके, ये भी अच्छा है। दैट्स ग्रेट। ये क्या भेज दिया? ये तो नहीं मंगवाया था, फोटो में तो कुछ और ही दिख रहा था। आखिरी बार हंस बोल लो, एक बार मेंशन में आ जाऊं फिर देखती हूं कैसे मुस्कुराती हो। टैक्सी। तुम दोनों को इस तरह एक साथ काफी अरसे बाद देखा है। आज मैं बहुत खुश हूं, अल्लाह वो वक्त फिर कभी ना लाए।
तुम देख लेना, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, पहले से भी ज्यादा इंशाल्लाह। सैफर को भेजा है तुम्हारी पसंदीदा विलेज ब्रेड लाने के लिए। राई वाली ब्रेड। एक मिनट की कॉल ले लूं। हेलो। हाँ ओके, तुम किसी मुनासिब वक्त का अपॉइंटमेंट रख लो। खुदा हाफिज। सर कैसे हैं आप? आपने मुझे पहचाना? मैं मोहिउद्दीन हूं, आपकी कंपनी में बहुत अरसे पहले मैंने काम किया था। ओ अच्छा। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। मैंने अचानक आपको यहाँ पर देखा तो हैरान रह गया। मौसम अच्छा है इसलिए। आप अब भी हमारी कंपनी में काम कर रहे हैं क्या? सर अगर मेहरबानी करें, क्या दो मिनट के लिए आप अपना कीमती वक्त दे देंगे मुझे? अच्छा ठीक है, मैं अभी आता हूँ बेटी। अक्सर आपको साइट पर आते देखा मैंने, इसी वजह से पहचानता हूँ। काफी पुरानी बात है, कारतार के इलाके में एक जगह कंस्ट्रक्शन हो रही थी, वहाँ मैंने कई महीने काम किया। सर इस वक्त मुझे काम की बहुत ज़रूरत है। आपको जानता हूँ मैं, आप बहुत ही नेक दिल इंसान हैं। तुम तैयार नहीं हुई? डर गई मेरी आवाज से? डिनर के लिए जाना है। डिनर के लिए? ऑफ कोर्स डिनर बाहर करना है आज। पॉसिबल है क्या आज ना जाएं? इम्पॉसिबल। ओया को शक नहीं होना चाहिए, आई कैन अंडरस्टैंड। मगर हम कुछ ज्यादा ओवर तो नहीं हो रहे? देखो मैं तुम्हें बता चुका हूं, ओया एक मुश्किल पर्सनालिटी है। बस रेडी हो जाओ, मैं नीचे वेट कर रहा हूं। जाहिर है आप सभी सोच रहे होंगे आखिर मैं क्या कहने वाला हूं। आज का दिन मेरे लिए बहुत यादगार दिन है। गुजरे हुए वाकयात का जिक्र करके मैं आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहता। बहुत मुश्किल वक्त गुजरा हम लोगों पर, लेकिन इस आजमाइश में सुरखरू हुए हम। आजमाइशें यूं खत्म नहीं हो जाती, इंसान की आखिरी सांस तक ये चलती रहती हैं। मुझसे बहुत गलतियां हुई, मेरे फैसलों के नताइज तुम दोनों ने भुगते, मगर अल्लाह का शुक्र है हम फिर से इकट्ठे हैं एक दूसरे की ताकत बनकर। इस बार मेरे सामने जो कपल मौजूद है, जो किसी जबरदस्ती के तहत एक दूसरे के साथ नहीं बल्कि एक ऐसा कपल है जो एक दूसरे का शरीक हयात होने पर खुशी महसूस कर रहे हैं,
तो ये जो तुम सबकी मौजूदगी है, मैं उसका फायदा उठाते हुए एक कमी पूरी करना चाहता हूं। तुम दोनों की उंगलियों में वेडिंग रिंग्स देखना चाहता हूं। आमिर, रेयान, अब ये तुम्हारा अपना फैसला है। मैंने बिलाखिर रियलाइज कर लिया कि तुम दोनों की खुशी से हटकर अब कोई कदम नहीं उठाना है, मगर तुम्हें भी खुद ये बात यकीनी बनाना होगी कि जो कुछ भी हो वो तुम्हारी अपनी मर्जी से होना चाहिए। क्या इरादा है? शादी की तकरीब जल्दी से खत्म हो जाए, वरना जमरे मैम को ये देखकर तो दिल का दौरा ही पड़ जाएगा। चुप हो जाओ। खुदा तुम्हारी खुशियां हमेशा कायम रखे, जिंदगी भर एक दूसरे से जुदा ना हो इंशाल्लाह। आपने 18,000 की खरीदारी की जो आप 9 इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सकते हैं। 18,000? हाँ, 30 ही है। वो तो कार्ड लेना ही नहीं चाहती थी। ऐसी क्या शॉपिंग कर ली? अब क्या कहूंगी? अरे यार, जब तक सिचुएशन खराब नहीं होगी बात सीरियस नहीं ली जाएगी। मुझे अपने शेयर्स चाहिए।
क्या मुसीबत है। उफ। परेशान नहीं हूं, मैं साफ कर देती हूं। मैं जाकर हाथ धो लेती हूं अपने और तुम्हारे लिए पानी यहीं लेकर आती हूं। खुशियां हमेशा कायम रखे, जिंदगी भर एक दूसरे से जुदा ना हो इंशाल्लाह। हो गई रिंग, या अल्लाह।
पर थी तुम। जो कुछ भी हुआ हर मामले में मैं चाहता हूं आज तुम मुझे प्रॉमिस करो कि अब कभी मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। आखिरी सांस तक, क्योंकि जब भी तुम नहीं होते तो मैं नहीं रहता। मेरा वजूद कहीं गुम हो जाता है, जहन रुक सा जाता है, पागल होने लगता हूं। तुम्हारे बगैर कैसे रह सकता हूं, कोई सांस लिए बगैर कैसे रह सकता है, बस यही समझ लो। प्रॉमिस। तुम यहां क्या कर रही हो? कहा था ना आइंदा मेरी नजरों के सामने मत आना। समझ नहीं आता तुम्हें? हिकमत, मैं माँ हूं उनकी। देखें क्या हाल हो गया है मेरा, बच्चों के बगैर मर गई हूँ। अभी और इसी वक्त चली जाओ यहाँ से, फौरन। बाबा सोना, तुम बीच में मत आओ। क्या मसला है, यहाँ कैसे आ गई आप? आमिर, अब और बर्दाश्त नहीं होता बेटा। बंद करो ड्रामा, अब यहाँ किसकी जिंदगी बर्बाद करने आई हो? किसकी? सबके सामने कह रहा हूँ, मैं जब तक जिंदा हूँ तुम किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अगर तुम यहाँ से फौरन ना गई तो मैं तुम्हें, आप अपने आदमी लेकर मेरे घर मेरा सामान उठा के फेंकवा दिया, अब भी तसल्ली नहीं हुई, और क्या चाहते हैं आप? हाँ, तुम्हारा सामान। खामोश, कहा था ज़बान बंद रखना, चुप करो वरना बहुत बुरा होगा। चुप नहीं होंगी मैं। क्या करेंगे आप? हाथ उठाएंगे मुझ पे? मैं कहता हूँ चुप हो जाओ वरना बहुत बुरा होगा। आप कुछ करें प्लीज, आप बिल्कुल सही है, माल भी दे हक है आपका, क्योंकि मैं हूं ही इसी लायक। हिकमत, निकल जाओ यहाँ से, कह रहा हूँ दफा हो जाओ। नहीं जाऊंगी मैं, बच्चों से मिलने का हक नहीं छीन सकते मुझसे। डैड प्लीज, आप रिलैक्स हो जाएं, मॉम जा रही हैं। प्लीज डैड, चले आए मॉम, यहाँ आए आप। चली जाओ मैं, हाँ चली जाओ, जानते भी हो तुम्हारे बाबा ने क्या किया है मेरे साथ। मुझे पैसों की ऑफर की है तुमसे दूर रहने के लिए, मुझे पैसों की ऑफर की है इन्होंने। मैं माँ हूँ, माँ इनकी। आपने सोच भी कैसे लिया कि पैसे एक्सेप्ट कर लूंगी मैं? पूरी दुनिया की दौलत भी मेरे कदमों में लाके डाल दे, फिर भी अपने बच्चों को नहीं छोड़ूंगी मैं। बच्चा दौलत, बाबा जान कहां से आ गया अचानक ये डिनर? अल्लाह जाने और कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगी ये ओया साहिबा। फिटिंग कुछ सही नहीं लग रही इसकी भी। क्या मैं आ सकती हूँ स्वीटहार्ट? हाँ हाँ आ जाए। एक छोटा सा गिफ्ट मेरे लिए। क्या गिफ्ट है, खोल के देखो। आमिर, रियान,
जो हुआ उस पर कोई बात नहीं होगी, बस भूल जाओ उसे। और तुम दोनों किसी को अपनी इस दवाजी खुशियां बर्बाद करने की हरगिज इजाजत ना देना, समझ रहे हो ना? पता है वहां पर क्या हुआ? जावेदा मैम आ गई थी। बहुत अरे चुप हो जाओ, ये सुन लेंगी, तमाशा लगाओगी क्या? जाओ। ये सब हो क्या रहा है आखिर? कल तो पैसे मेरे मुंह पे मार दिए थे और आज ये 18,000 की शॉपिंग कर ली। और कितना सरप्राइज करोगी मुझे? मेरे पापा, ये सोफों का पूछ रही हो ना? आमिर ने हटवा के ये रखवा दिए हैं। और कुछ तो नहीं चाहिए तुम्हें? का मतलब है कि आज से हम एक साथ। खुश आमदीद है मेरी लौट आने वाली शायरी। मेरी उम्मीदें फिर से जिंदा हो गईं, मेरा दिल फिर से सीने में आ गया, मेरी रूह फिर से चांदनी में नहा गई।
जो आंखें दर्द का मदावा बनी आज फिर मेरी हो गई। मेरी जिंदगी, मेरी आरजू, ए जाने हयात, खुश आमदीद ए मेरे बेचैन दिल के करार। खुश आमदीद है मेरी लौट आने वाली शायरी, मेरी उम्मीदें फिर से जिंदा हो गईं, मेरा दिल फिर से सीने में आ गया, मेरी रूह फिर से चांदनी में नहा गई, जो आंखें दर्द का मदावा बनी आज फिर मेरी हो गईं, मेरी जिंदगी, मेरी आरजू, ऐ जाने हयात, खुश आमदीद ऐ मेरे बेचैन दिल के करार। आमिर बेटा जल्दी आ जाओ, हिकमत साहब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आ रहा हूं मेलिकापा, बस जल्दी आ जाऊंगा। अब रोना बंद कर दो प्लीज, और कहीं मत जाना। चले चलते हैं। ठीक है चलते हैं। वाह क्या बात है, पिक डेट नाइट है आज आप दोनों की। वैसे कहां जा रहे हैं? ऐसी जगह जहां हम पहले कभी नहीं गए।
एक बहुत ही खूबसूरत रेस्टोरेंट। Starry Dream। तीन माह से तुम अजीब सी ज़हनी कैफियत का शिकार हो। ऐसे वक्त में जाहिर है मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ऑफिस आओ, मगर तुमने ऑफिस न जाकर भी सारे काम निपटा दिए। जफर ने मुझे सब बता दिया है। नहीं, इंकसारी की जरूरत नहीं। मैं जानता हूं रीडिंग से लेकर रिव्यू करने तक कॉन्ट्रैक्ट की जिम्मेदारियां पूरी की, तो बेहतर यही है कि तुम पहले की तरह ऑफिस आना शुरू कर दो। बोलो। जैसे आपको ठीक लगे। मैं खुश हूं तुम्हारे लिए। हाँ आमिर जी, कहिए डैड। मैं नहीं चाहता था कि रेहान के सामने वो सब कहूं, मगर जावेदा ने भी इस बार तो इंतहा कर दी, सारी हदें पार कर गई वो, तो मैं भी खामोश नहीं रह पाया डैड। अब अगर वो कभी भी मेरी नजरों के सामने आई तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा आमिर। अब मेरा सब्र जवाब दे गया है। डैड प्लीज, काफी बात कर चुके हैं हम इस पर, आप बस इजी हो जाएं ताकि कोई आपके गुस्से का फायदा ना उठा सके। फिनिश। दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया। आज के बाद कभी नहीं खोलूंगी इसको मैं, कभी नहीं। वहीं होंगी जहां होना चाहिए मुझे, यानी अपने मैंशन में। कहां मर गए थे? कहा था ना लेट नहीं होना है। वो मैं दवा लेने। ये मामला आज खत्म होना है, समझ आई तुम्हें? आज उसका काम तमाम होना चाहिए। इधर देखो, इधर मेरी तरफ देखो तुम। गलती हर किस नहीं होनी चाहिए, समझ गए ना? तुमसे पूछ रही हूं, समझ आई तुम्हारे? जी समझ गया मैं। वेरी गुड। गोली चलाते हुए तुम किसी और चीज के बारे में नहीं सोचोगे। ठीक है। इस खलीज जगह कभी वापस नहीं आऊंगी मैं, नेवर। सही नहीं ये जगह, अच्छा होता किसी बेहतर रेस्टोरेंट में खा लेते। हरगिज नहीं। ड्रेस तो देखिए मेरा, बिल्कुल ब्राइड लग रही हूँ। इस ड्रेस में मैं कहीं और नहीं जाऊंगी, अब आ गए हैं तो यहीं बैठते हैं। प्रॉब्लम क्या है इसमें, अच्छी लग रही हो। कोई 1960 की लेडी हो जैसे, बिल्कुल पसंद नहीं ऐसी ड्रेसिंग मुझे। असल खूबसूरती सादगी में है, सिंपल रहना पसंद है मुझे। इसलिए किसी महंगे रेस्टोरेंट में जाकर पैसे बर्बाद करने से ज्यादा मुझे यहाँ बैठ कर चाय एंजॉय करना अच्छा लगेगा। वैसे ये जगह इतनी बुरी भी नहीं है। एक चाय ले आइएगा। जी जरूर मैडम, बल्कि दो। ठीक है मैडम।